हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि बच्चेदानी में अगर गठान है तो उसे हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, उन्हें ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो फाइब्रॉइड्स जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उन्हें हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि दवाइयों के जरिए इलाज, और दूसरा होता है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन। मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो हमें ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि दवाइयों के जरिए केवल लक्षणों को ही कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फाइब्रॉइड्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। कुछ दवाइयों के चलते फाइब्रॉइड्स के साइज को 1 या 2 सेंटीमीटर तक श्रिंक किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी है जिसके इस्तेमाल से हम ये सोचें कि ये दवा खाने से या इंजेक्शंस लेने से फाइब्रॉइड्स टोटली खत्म हो जाएंगे। केवल वो महिलाएं जिनके फाइब्रॉइड्स की वजह से उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, या कभी किसी वजह से सर्जरी नहीं करी जा सकती है, या सर्जरी को हम टालना चाहते हैं या कुछ टाइम तक पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो इन दवाइयों के इस्तेमाल से फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स यानी कि उनके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ टाइम गेन किया जा सकता है, जिस टाइम के अंदर अगर किसी वजह से या हैवी ब्लीडिंग की वजह से शरीर में ब्लड की कमी हो गई है या आप सर्जरी नहीं करा पा रहे हैं, तो इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर सर्जरीज को पोस्टपोन कर सकते हैं। या वो महिलाएं जिनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं और हमें 1 साल 2 साल में लगता है कि पीरियड्स बंद हो जाएंगे, और पीरियड्स बंद होने के बाद तो फाइब्रॉइड्स किसी भी तरीके की परेशानी नहीं देते हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए मेडिकल मैनेजमेंट एक अच्छा इलाज हो सकता है। इस मैनेजमेंट के दौरान कुछ गोलियों का इस्तेमाल होता है या कुछ इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। वो फीमेल्स जिनमें मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, जिन्हें सर्जरी ही कराना है, या जिनके फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हैं, उनको फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है या बार बार मिस कैरेजेस हो रहे हैं, ये वो ग्रुप होता है जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम फाइब्रॉइड्स में सर्जरी की बात करें तो ये मेनली दो प्रकार की होती है। एक होती है कंजर्वेटिव सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी मतलब जिसमें हम लोग सिर्फ गठान यानी कि फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं और यूट्रस को बचाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है डेफिनेटिव सर्जरी। डेफिनेटिव यानी कि जिसमें हम लोग यूट्रस ही निकाल देते हैं। वो महिलाएं जिनकी एज कम है, 40 या 45 से नीचे है, जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है यानी कि जो और बच्चे करना चाहते हैं, या वो महिलाएं जो अपने यूट्रस को कंजर्व करना चाहती हैं, फाइब्रॉइड छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इनके लिए कंजर्वेटिव सर्जरीज यानी कि मायोमेक्टमीज अच्छी रहती हैं। वो फीमेल्स जिनके फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हैं या बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यूट्रस का शेप, उसका बनावट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, या वो महिलाएं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, एज 40 या 45 से ज़्यादा है, तो इनके लिए डेफिनेटिव सर्जरी यानी कि यूट्रस निकाल देना ठीक रहता है। अब अगर बात आती है कि हमें मायोमेक्टमीज यानी कि अगर सिर्फ गठान निकालनी है और यूट्रस को प्रिजर्व करना है तो किस तरीके से ये सर्जरी होनी चाहिए। यह सर्जरी मुख्यतः 3 तरीके से करी जा सकती है। एक होता है लेप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन द्वारा, जिसमें पेट के अंदर से दूरबीन डाल करके इस गठान को निकाला जाता है और फिर फाइब्रॉइड्स को वापस ये बच्चेदानी को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। एक होता है ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी यानी कि पेट के ऊपर पूरा चीरा दिया जाता है, फाइब्रॉइड्स निकाला जाता है और फिर बच्चेदानी को सील करके वापस कर दिया जाता है। थर्ड होता है हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज। हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज यानी कि जो नॉर्मल एक ओपनिंग होती है बच्चेदानी की मुंह की, वहां से दूरबीन डाल करके इन फाइब्रॉइड्स को शेल्व ऑफ किया जाता है, निकाला जाता है और यूट्रस को कंजर्व किया जाता है। अब आपके लिए कौन सा रूट अच्छा रहेगा ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो फाइब्रॉइड की पोजिशन क्या है। जैसे कि वही फाइब्रॉइड्स जो बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्रस कैविटी के अंदर में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए निकाला जा सकता है, बाकी किसी भी फाइब्रॉइड्स को हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए अप्रोच नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो सब सिरोजल यानी कि बच्चेदानी की बाहरी दीवार पे इंट्राम्यूरल जो बच्चेदानी के
अंदर में, उसकी वॉल के अंदर में फाइब्रॉइड्स होते हैं, उन्हें हम लेप्रोस्कोपिकली या ओपन दोनों के जरिए टैकल कर सकते हैं। अब लेप्रोस्कोपिक करना है या ओपन करना है, ये सबसे मेन जो डिपेंड करता है सर्जिकल स्किल पे। अगर आपके सर्जन अच्छे हैं, नो डाउट लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी ओपन मायोमेक्टमी से कई गुना ज्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि इसमें जो होता है टिश्यू हैंडलिंग मिनिमम होती है, अंदर में ब्लीडिंग कम होता है, जिसके वजह से आपका रिकवरी अच्छा होगा, हॉस्पिटल के दौरान स्टे कम रहेगा, सर्जरी करने के बाद अंदर जो चीजें चिपक जाती हैं जिसे हम बोलते हैं एडिशंस, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में कम रहते हैं। अगर हम कॉस्मेटिकली बात करें तो ओपन सर्जरी में बहुत बड़ा स्कार आता है, वो डिपेंड करता है कि आपका फाइब्रॉइड कितना बड़ा है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में ये छोटे छोटे ओपनिंग्स जैसे रहते हैं, मात्र एक या दो टाके भर का ये स्कार रहता है, तो कॉस्मेटिकली भी अच्छा होता है। लेकिन अगर सर्जिकल स्किल अच्छा नहीं है, आप जहाँ पे करा रहे हैं वहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधाएं एडवांस नहीं है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक डिजास्टर भी साबित हो सकती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपने कंजर्वेटिव सर्जरी यानी कि सिर्फ मायोमेक्टमी कराने का सोचा है, लेप्रोस्कोपिकली जाने की सोच रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि वो जो सर्जन है, वो जो हॉस्पिटल है, वो लेप्रोस्कोपी की सुविधा के लिए प्रॉपरली इक्विप्ड है या नहीं। इसके अलावा कुछ और भी सर्जरीज कंजर्वेटिव में या कुछ प्रोसीजर्स कंजर्वेटिव में आते हैं, जिसमें ना तो मेडिसिन का इस्तेमाल होता है ना सर्जरी का इस्तेमाल होता है, फिर भी फाइब्रॉइड्स को कंट्रोल कर दिया जाता है। सिलेक्टेड केसेस में जहां पे किसी वजह से दवाइयां भी नहीं दी जा पा रही हैं और ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता है, या समहाउ पेशेंट ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है इन दोनों चीजों के लिए, तो उन सिलेक्टेड केसेस में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये एक तरीके की रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें सिर्फ वो खून की नसें जो फाइब्रॉइड्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स बढ़ते हैं या उसके लक्षण मेनली जो हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग के लक्षण होते हैं वो आते हैं, तो ऐसे केसेस में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के द्वारा वो नसों को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये एक रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, और जैसे उस नस को ब्लॉक कर दिया जाता है तो यूट्रस, ये फाइब्रॉइड्स की जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सप्लाई है, वो कंट्रोल में आ जाता है। अब उसको अगर ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो फाइब्रॉइड्स श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है, और साथ के साथ उससे जो होने वाले लक्षण है वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टेड जगहों पे अवेलेबल होती है ये ट्रीटमेंट, ये सिलेक्टेड केसेस में किया जाता है, और इसके बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, या इसके बाद क्या केयर लग सकती है वो समझने के बाद ही हम लोग इस तरीके के प्रोसीजर्स में जाते हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो फाइब्रॉइड्स ज्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं, उन्हें किसी तरीके के इलाज की जरूरत नहीं होती है, मात्र सिम्टोमेटिक यानी कि जो लक्षण दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं फाइब्रॉइड्स, उन्हें ही इलाज की जरूरत होती है। अगर हम डेफिनेटिव इलाज की बात करें जिसमें हम लोग फाइब्रॉइड्स को खत्म कर सकते हैं, वो केवल सर्जरीज हैं। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी एज कम है, तो कंजर्वेटिव सर्जरीज जिसे हम बोलते हैं मायोमेक्टमीज, वो बेहतर रहती हैं। अगर किसी वजह से कंजर्वेटिव सर्जरी नहीं करी जा रही है, एज एडवांस है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, या यूट्रस बुरे तरीके से फाइब्रॉइड्स की वजह से डिस्टॉर्ट हो चुका है, तो डेफिनेटिव सर्जरीज जिन्हें हम बोलते हैं हिस्ट्रेक्टमीज यानी कि यूट्रस को निकाल देना ठीक रहता है। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके कोई और सवाल हो जो आपको लगता है हमने इस टॉपिक में कवर नहीं किए, तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, हम टाइम टू टाइम अपने और वीडियोस के जरिए उन सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।